हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ चिली पोटैटो। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, लेकिन आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही यमी और टेस्टी सा बनाने वाली हूँ चिली पोटैटो। तो फ्रेंड्स, चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 बड़े साइज के आलू को लिया है। आलू को हमें हमेशा बड़े साइज का ही लेना है, तभी इसकी कटिंग अच्छे से हो पाएगी। अब सबसे पहले हम आलू के छिलके को निकालेंगे। पूरी क्लीन छिलके निकलने चाहिए इसके, कहीं इसमें छिलके नहीं रहने चाहिए। यहाँ मैंने आलू को छील लिया है, आपको दिखा देते हैं हमें किस तरीके से इसे कट करना है। ये जो ऊपर और नीचे का जो भाग है, इसे हम कट करके निकाल लेंगे इस तरह से, और साइड साइड से भी कट करके निकाल लेंगे। अगर ये चारों भाग हम कट करके निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी जो आलू की कटिंग और जो शेप आएगा बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा आएगा। अब आलू को हम भी साइड से इस तरह से परत निकालेंगे। ये बहुत अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार बना के ट्राई करें। अब मैंने एक आलू में 4 परत बनाया है, अब इसको हम पतला पतला स्लाइस करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमें आलू की कटिंग इस तरह से रखनी है, तभी ये देखने में भी अच्छा दिखेगा और खाने में जो इसका स्वाद होता है तो वो तो पता ही आप सभी को। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सेम तरीके से हम चारों आलू को पहले कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां आप देख सकते हो मैंने आलू को कट कर लिया है। अब इसमें मैंने यहाँ बड़ी सी थाली ली है जिसमें हम आलू को डाल देंगे। आलू थोड़ा गीला है, मैंने इसे धुला है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, आप चाहे तो आलू रोट का भी यूज कर सकते हो। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हो अगर कॉर्नफ्लोर नहीं अवेलेबल है तो। मैंने गैस पे पैन रख दिया है गरम होने के लिए। पैन भी गरम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को बहुत अच्छे से गरम करना है, जब तक कि ये पूरी तरह पतला ना हो जाए तब तक हमें ऑयल को गरम करना है। कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद ये आलू को 5-10 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है, जब तक कि ऑयल गरम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, आइए इसमें हम फटाफट से आलू को डालते हैं। गैस का फ्लेम लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पे आलू को फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने आलू को लाइट फ्राई कर लिया है। आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आइए फटाफट से इसमें डालने वाले जो मटेरियल्स मैंने कट किया है उसे आपको दिखाते हैं।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिया है हरा कटा धनिया, बहुत बारीक मैंने इसे कट किया है। एक कैप्सिकम लिया हुआ मैंने बड़े साइज का, जिसे मैंने इस तरीके से कट किया हुआ है लंबे लंबे पीसेस में। और मैंने यहाँ ग्रीन प्याज लिया है, जिसे मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है। और एक डेली यूज वाला जो ऑनियन आता है प्याज, मैंने उसे लिया हुआ है। और मैंने यहाँ कुछ हरी मिर्च लिया है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब चिली पोटैटो बन रहा है तो चिली का होना कंपल्सरी है। और मैंने यहाँ अदरक और लहसुन को मोटे टुकड़ों में कूट रखा है। तो फ्रेंड्स आइए फटाफट से इसका ग्रेवी तैयार करते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ गहरी सी कढ़ाई ली है, जिसमें कि हम इसे अच्छे से मिक्स कर पाएं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल तो गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। गरम ऑयल में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट को ब्राउन करेंगे। पहले पेस्ट ब्राउन हो चुका है, इसमें डालेंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो सिर्फ कलर के लिए होता है। और उसके जस्ट बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज को साथ में ही डालेंगे तो दोनों थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसे जल्दी से सॉफ्ट करना है तो इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक ये पूरी तरह सॉफ्ट से ना हो जाए। इसमें आधा धनिया डाल देते हैं। एक चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला, फ्रेंड्स अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली सॉस दो चम्मच और ग्रीन चिली एक चम्मच। यहां मैंने डार्क सोया सॉस लिया है, वो भी एक चम्मच। थोड़ा सा स्पाइसी और खट्टापन लाने के लिए टोमेटो केचप, और इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। सारे केचप पक रहे हैं, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब फ्राई किया हुआ आलू इसमें ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है, एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से।
चिली पोटैटो बनके रेडी है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम कटा हरा धनिया डालेंगे और इसे भी बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत कलरफुल बना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। आइए फटाफट से हम सर्व के लिए निकालते हैं इसे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बनके रेडी हुआ है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन डालेंगे गार्निश के लिए। अगर आपका हमारा चिली पोटैटो बनाने का तरीका पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।